ये क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भूल भुलैया 3 का सेकेंड गाना जानम समझो ना रिलीज हुआ है, तो ये गाने को देखकर और सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये गाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना इसका सुर अच्छा है, ना इसका बोल अच्छा है। हाँ, विजुअल 100% बहुत ही अच्छा है, लेकिन गाना कहने की लायक ये नहीं है। शायद डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाने की कोशिश किया है, लेकिन बिल्कुल बेकार हो गया। गाने का सिंगर का जिस प्रकार का उसका जो टोन है, वो कार्तिक आर्यन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है भाई। कार्तिक आर्यन का वॉइस ऐसा नहीं है, तो ये गाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जानम समझो ना, ये गाना एकदम से अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, ये सेकेंड सॉन्ग मुझे लगा था ये रोमांटिक सॉन्ग है। नेचुरली इसका जो क्लिपिंग्स ट्रेलर में आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मुझे लगा था शायद ये कुछ और लेवल का होगा और कुछ अलग तरीके के होगा, लेकिन ये अलग तरीके के चक्कर में शायद ये इतना घटिया गाना बना लिया। इसका विजुअल काफी अच्छा है, बहुत ही लार्ज स्केल में शूट किया गया है, काफी सारा डांसर है, और तृप्ति डिमरी शायद इस मूवी में एक बंगाली है, तो वहां पे बंगाली का कल्चर भी यहाँ पे दिखाया गया है गाने के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सब कुछ ठीक है, विजुअल तो अच्छा है, लेकिन गाना सुनने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आखिर में एक थोड़ा सा चुम्मा चाटी भी है, वो तो ठीक है, जिन लोगों ने इमरान हाशमी को देख लिया है उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गाने के हिसाब से देखे तो ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक मूवी हिट होने के लिए उसका गाना हिट होना बहुत जरूरी है। स्त्री टू को देखिए, सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे, ब्लॉकबस्टर है, चार्टबस्टर है, लेकिन इसका पहले गाना टाइटल ट्रैक था जो भूल भुलैया का, वो तो ठीक ठाक था, रिमिक्स रिमिक्स सॉन्ग था, सब जो बार या पब में ये गाना चल जाएगा, लेकिन ये गाना तो भाई कहीं पे भी नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। सिंघम अगेन के साथ क्लैश हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा तो करना चाहिए था। ऐसे सिंघम अगेन ये बिल्कुल इससे भी खराब है, सिंघम अगेन का ट्रेलर अच्छा नहीं है, पहले गाना तो बिल्कुल बकवास था, लेकिन देखना है कि सेकंड गाना में किस प्रकार से मात दे पाता है या नहीं, कुछ और कुछ कर रहा करता है कि नहीं सिंगर में। लेकिन भूल भुलैया 3 का ये गाना मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया। कार्तिक आर्यन का लुक्स के बारे में बात करें तो सेम एज यूजुअल, और मूवी में जैसा लगता है वैसे ही। तृप्ति डिमरी तो मुझे लगता है एक ही टाइप का है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ हंसता है, घूमता है, इधर उधर भटकता है, ऐसे ही है। इसमें शायद मुझे लगता है जो कि इसमें उनका बहुत ही छोटा रोल रहने वाली है, अब देखते हैं आखिर में क्या होता है। लेकिन ये जानम समझो ना, ये गाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इसलिए मैं इस गाने को 5 में से 2 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये जानम समझो ना ये गाना देखा या सुना है तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए आप लोगों को ये गाना कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।